निसंतानता के इलाज के लिए आप IVF सेंटर का चुनाव कैसे करें? तीन बातों का बहुत ही ख्याल रखें। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द IVF सेंटर। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी। नमस्कार, मैं डॉक्टर दयानिधि इंदिरा IVF पटना से आपका स्वागत करता हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है कि निसंतानता के इलाज के लिए आप IVF सेंटर का चुनाव कैसे करें। तो IVF सेंटर के चुनाव के लिए तीन बातों का बहुत ही ख्याल रखें। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द IVF सेंटर, मतलब कि आपके IVF सेंटर में एक ही छत के नीचे पेशेंट के ट्रीटमेंट से जुड़े सारे चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छे से डिजाइन किया हुआ वहाँ का पूरा का पूरा लैब या डॉक्टर कंसल्टेशन रूम या वेटिंग एरिया सब कुछ होनी चाहिए। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपके IVF स्पेशलिस्ट का एक्सपर्टीज, क्योंकि आपके डॉक्टर जितने ही अच्छे एक्सपीरियंस्ड और उनका एक्सपर्टीज अच्छा होगा आपका सफलता उतना ही अच्छा होगा। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट चीज है वो है आपके एम्ब्रियोलॉजी लेबोरेटरी का इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांसमेंट और वहाँ के एम्ब्रियोलॉजिस्ट का एक्सपर्टीज, वो वहाँ के एम्ब्रियोलॉजी लेबोरेटरी और वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट पे डिपेंड करता है। तो जितना ही एडवांस आपका एम्ब्रियोलॉजी लेबोरेटरी होगा और जितने स्किल्ड आपके एम्ब्रियोलॉजिस्ट होंगे, भ्रूण वैज्ञानिक होंगे, आपके सफलता का चांसेस उतना ही अच्छा होगा। तो जैसा कि मैंने बताया, तीन चीज़ें, IVF सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के डॉक्टर का एक्सपर्टीज और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वहाँ के एम्ब्रियोलॉजी लेबोरेटरी का एडवांसमेंट एंड आपके भ्रूण वैज्ञानिक का स्किल। तो इन चार चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो आपके सफलता की दर उतनी ही अच्छी होती है। धन्यवाद। For more information, visit our website www.indraivf.com or call 1-800-309-4410. Keep following us and leave your fertility-related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.